आज का जो कंपाउंड है दोस्तों वो है आपका PbCO3 है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा यही आप सोच रहे होंगे, मैं बताऊंगा बहुत आसान सा तरीका। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक है लेड, एक कार्बन, देन एक है ऑक्सीजन। देन इतना तो आपको पता होगा, क्लासिक 7-8 से पढ़ते आ रहे होंगे। फिर होता है आयरन। आयरन को समझना बेहद जरूरी है। ये होते हैं टू टाइप के, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। देन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर जो ये सेक्टर है पॉजिटिव और ये जो सेक्टर है ये नेगेटिव है। यहाँ लिखिए PB, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी प्लस की 2 होती है। देन CO3 इसका जो वैल्यू होती है माइनस की 2 होती है। प्लस माइनस में वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू होती है यानी कि प्लस माइनस में होती है। बट देन फॉर्मूला बनाते वक्त प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा, आपस में हट जाएंगे तो क्या होगा, केवल बचेगा PbCO3। तो ये बच गया PbCO3। अब क्या है, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, चलिए बताता हूं मैं बहुत आसान तरीका। इसका नाम होता है लेड। क्या होता है, लेड। देन CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया, लेड कार्बोनेट। इस वीडियो में आपने सीखा मुझसे आयन क्या होता है, मैंने बताया आपको फॉर्मूला कैसे बनता है, द नाम कैसे बनता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।